वेलकम टू कम्युनिटी डिबेट। मैं हूं आपकी होस्ट हलीमा सादिया। हम कोविड 2019 की कॉन्टिन्यूटी के साथ ही अपनी डिबेट की कॉन्टिन्यूटी करते हैं, क्योंकि हम आपको हमेशा बाखबर रखते हैं लेटेस्ट जो भी सिलसिले में हो रहा है। इस वक्त WHO ने आज कॉन्फ्रेंस की, उसके साथ साथ साउथ एशिया की इकोनॉमिक हिट, उसके साथ साथ नेशनल, रीजनल और ग्लोबल इंटरैक्शन के साथ साथ कोविड 2019 किस तरह लिंक करेगा और क्या इसकी सूरत हाल बनेगी, और उसके साथ साथ न्यू वर्ल्ड जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं कोविड 2019 की बदौलत अब हम देख सकते हैं, इन सब पे आज हमारी बातचीत होगी। और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए हमारे बहुत ही माहिर जर्नलिस्ट, ओपिनियनिस्ट, और पता नहीं उनके साथ साथ क्या क्या वो करते हैं, डॉक्टर शारदा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, और जितने भी हमारे टैग टीवी के दर्शक हैं इस वक्त, उन सबका करते हैं स्वागत। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू शुरू करते हैं WHO की रिपोर्ट के साथ, जिसके अंदर आज उन्होंने तमाम कंट्रीज को हेल्प, उन तमाम कंट्रीज को जिनको केस हेल्प की जरूरत है इस बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन में, उनके लिए ऐलान किया, जिसके अंदर चंद मुल्क शामिल नहीं भी थे, तो इस पर आपका क्या तबसरा है? देखिए, बेसिकली क्या है कि WHO या यूनाइटेड नेशंस जो मर्जी कहते रहे जी, वो सिर्फ बेसिकली उनकी अपील हो सकती है, कोई प्रैक्टिकल उसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल फायदा तो तभी होगा जब G20 या G7 की कल जो मीटिंग होनी है आपस में जी, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, उसमें वो क्या फैसला करते हैं, दैट काउंट्स मोर देन व्हाट WHO सेज और व्हाट यूनाइटेड नेशंस सेज। यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा ही बहुत अपील्स की है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अफ्रीकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो भी ये कहते हैं कि हमें जरूर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि हेल्प करने वाले जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, UK, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इंडिया या और जो कंट्रीज हैं, ये खुद इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में से निकल रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये कंट्रीज इतनी बड़ी मुसीबत से निकल रहे हैं, तो इनको उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके पास कोई साधन ही नहीं है। अगर आप अफ्रीका का लें किस्सा, तो अफ्रीकन कंट्रीज में 90% कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास साधन ही नहीं है कि इस किस्म की वो कोरोना वायरस के साथ या COVID-19 के साथ वो लड़ सके, तो उनको हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जब फ्रांस में जी रोज की 1,000-1,500 डेथ हो रही है, ब्रिटेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वर्स्ट आफ्टर अमेरिका, जी अमेरिका में रोज जो है कल 2,200 डेथ हुई थी, तो ये जब इतना कुछ वो खुद इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हाँ, वो कुछ कंट्रोल हो जाए जी, और उसके बाद वो कुछ देखें भी कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, औरों की हेल्प कर सकते हैं, तब तो कुछ बन सकता है। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अपील्स तो करनी बहुत जरूरी है। WHO ने भी अपील की, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी ने अपील की, और कुछ लीडर्स अफ्रीकन और यूरोपियन यूनियन के, उन्होंने भी आपस में बातचीत की। लेकिन बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि जब आपके घर में खुद आग लगी हुई है, तो आप दूसरे घर में आग बुझाने नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, इसी पॉइंट पे हम इस बात को करते हैं कि यही बात तो ये सब कंट्रीज इस वक्त कह रही हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके अंदर हर एक को अपने घर की फिक्र सबसे पहले लगी है। चलिए, ये तो बहुत डिटेल्ड बात है, और इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट आ भी गई और इसके ऊपर डिस्कशन अभी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि ये इकोनॉमिक चैलेंज तो इस वक्त ग्लोबल चैलेंज है। सबसे पहले इस तरफ आते हैं कि कोविड 2019, जो लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि ये कुछ महीनों में, 4 महीनों में 5 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि अगर हम ग्लोब की सिचुएशन देखें तो आधी दुनिया में रात है तो आधी दुनिया में दिन है, आधे मुल्कों में सर्दी है, आधे मुल्कों में गर्मी है, तो ये तो ट्रैवल करता रहेगा जब तक इसकी वैक्सीन से कुछ हद तक इसको कंट्रोल ना किया जाए। आपकी इस सिलसिले में क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या तबसरा है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि देखिए बेसिकली क्या है, ये जो कोरोना वायरस थी जब आई, तो पहले इसके बारे में पता ही नहीं था। मैं समझता हूँ कि अगर कोई सबसे बड़ा गिल्टी इसके मामले में कोई है कंट्री, तो वो चाइना है।
चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको नवंबर के महीने में पता चल गया था, पर उन्होंने दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया और दुनिया को उन्होंने अवेयर नहीं किया कि वर्ल्ड में भी ये फैल सकता। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा उन्होंने एक जुल्म किया दुनिया के लोगों के ऊपर, दैट्स नंबर वन। नंबर टू, ये जो कोविड 19 का इस किस्सा है, किसी को अभी तक यही नहीं पता लगा वायरस का अल्टीमेटली। अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि देखिए जी, ये वायरस जो है सिर्फ टच होने से हो सकती है या एक दो ही और तरीके से हो सकती है, आप 6 फुट दूर रहें। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं जी ये तो 14 फुट का मामला होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं जी ये तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में इस वक्त सारी दुनिया फंसी हुई है। आपने जब बात की ना, देखिए इकोनॉमी सबसे बड़ी चीज है, जब इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो बहुत नीचे चले जाते हैं तो लोगों के दिमाग जो है जी उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और वो इकोनॉमी के बारे में सोचते हुए और अपने बारे में सोचते हुए उसमें उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बीमारियां लग जाती हैं, खास करके डिप्रेशन जी एंग्जाइटी जो है वो बढ़ जाते हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इंटरनेशनल रिपोर्ट जो कि 1929 और 1930 के बाद, मतलब आफ्टर 1932 के बाद 10% डाइवोर्सेज बढ़ गए जी। वही सेम चीज जो है वो 2007 और 8 के डिप्रेशन के बाद में हुई। तो जब उसमें क्या होता है कि जब आप लोग घर में बैठ गए तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। वो जो प्रॉब्लम्स है वो एक सोशल जब जस्टिस आता है तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। असल में डोमेस्टिक वायलेंस शायद बहुत बढ़ जाता है इसलिए कि उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर के साथ साथ हम इस लाइफस्टाइल के आदी नहीं हैं, ये बात भी एक फैक्ट है। चलिए इस पे भी, इसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक फैक्टर से मैं टच करना चाह रही थी साउथ एशिया का, क्योंकि इस वक्त जो उन्होंने रिपोर्ट दी है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स जो हिट होंगी और जो कि अनएक्सपेक्टेडली हुई हैं वो साउथ एशियन रीजन में हुई हैं। आपका तबसरा? देखिए जो IMF की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक चाइना और इंडिया ही ऐसे कंट्री हैं, जब इसके बाहर वो निकलेंगे तो चाइना माइनस में, चाइना की ग्रोथ माइनस में नहीं जाएगी, 1.2 होगी और इंडिया की ग्रोथ 0 या 1 पॉइंट रहेगी। ये दो कंट्री हैं जिनकी माइनस में नहीं जाएगी, बाकी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जितने भी इंक्लूडिंग अमेरिका, इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अमेरिका की 6.7 पॉइंट नीचे जाएगी, इंग्लैंड की 6.2 जाएगी, इटली की 9.7 नीचे जाएगी। नीचे का मतलब होता है जीरो से नीचे, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ जो जिसको हम कहते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब नेगेटिव ग्रोथ होती है तो उस वक्त सफर कौन करता है? ना तो पॉलिटिशियन सफर करते हैं, ना ब्यूरोक्रेट सफर करते हैं, सफर आम आदमी करता है। और साउथ एशियन कंट्री में तो वैसे ही, अगर हम उधर थोड़ा सा झांके तो हम देखते हैं कि इंडोनेशिया, फिलिपाइन, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे करोड़ों लोग जी गरीबी में रहते हैं, करोड़ों लोग। जब वो गरीबी में रहते हैं तो उनके ऊपर ये और जब अफेक्ट होगा और असर पड़ेगा तो नेचुरली वो कंट्रीज जो है दे आर गोइंग टू सफर मोर देन दीज डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज कैन स्टिल कम आउट ऑफ इट विद इन 2 इयर्स 3 इयर्स, लेकिन वो कंट्रीज को हो सकता है 4 से 5 साल लग जाए उस लेवल पे पहुंचने पे जिस लेवल पे कोविड ने उन पे हमला किया। कोविड के प्री कोविड एंड आफ्टर कोविड, ये एक एनालिसिस था जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा यहाँ। लेकिन इस सिलसिले में फिर एक और सजेशन जो बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से दी गई वो ये थी कि नेशनल, रीजनल एंड देन ग्लोबल, यानी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिसमें आप नेशनल लेवल से शुरू करें और फिर अपने रीजनल लेवल पे जाएं। यानी हेल्प की जब आप बात करते हैं तो पहले आप नेशनल लेवल की हेल्प कीजिए, फिर आप अपनी रीजनल हेल्प, यानी रीजनली एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्या आपके ख्याल में, और उसके बाद आप ग्लोबली इसको लेके साथ साथ चलिए। आप इसके ऊपर क्या तबसरा करेंगे? नहीं, आप ये बात जो बात है, देखिए लगती बहुत अच्छी है
लेकिन जब प्रैक्टिस में हम करते हैं, प्रैक्टिकली इसके बारे में सोचते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कम से कम 2 से 4 साल लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने पे जिस पे आपकी इकोनॉमी जहां से डाउन हुई है। जब आप उस लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर सारी कंट्री जो है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने अपने घर में जी कहते हैं पेट भर लिया, तो फिर आप दूसरे के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन पहले अपने घर में जब तक आप पेट नहीं भरेंगे, यू कैन नॉट थिंक अबाउट रीजन। रीजन जो है वो इस वक्त टोटल जो एक वर्ड बना हुआ था ग्लोबल विलेज, वो दैट इज फिनिश्ड टुडे, दैट वर्ड इज गॉन। द वर्ड इज कि अपने देश को बचाओ, अपने घर को बचाओ। इस वक्त सारी दुनिया इस वक्त लगी हुई है, कोई किसी को हेल्प करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप देखिए कि इंग्लैंड की कितनी बुरी हालत हो रही है, फ्रांस की कितनी बुरी हालत हो रही है, क्या वो कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? अंदर से जरूर कर रहे होंगे, दिल से भी उनकी इच्छा होगी कि हम करें, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो उनको अपनी प्रॉब्लम नजर आ रही है, हाउ टू फेस देम। चलिए डॉक्टर साहब, इसी पे बात कर लेते हैं। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो हाउ वुड वी सस्टेन द लाइफ? आपका ख्याल है कि इस जगह पे पहुंच के जहाँ पे कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, ग्लोबल है, एक दूसरे पे इफेक्ट हो रहा है, लॉकडाउन सारी दुनिया में चल रहा है एक साथ, पावर्टी चल रही है एक साथ, डिक्लाइन है इकोनॉमिक का एक साथ, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सिक्लूडेड होके पेट भर के बैठ जाएं और आप इसके नहीं हो रहे? आपको अपने रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने रिसोर्स में जीने का एक नया तरीका सीखना पड़ेगा। जो ये जो तरीका था कि हर चीज जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करती थी, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। आपको अपनी कंट्री को इस तरीके से मजबूत करना पड़ेगा कि जिसमें अगर इस किस्म की प्रॉब्लम आ जाए, आप क्या समझते हैं कि COVID-19 अगर इस वक्त कंट्रोल हो जाएगा तो इट कैन नॉट कम अगेन, बल्कि 99% साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इट विल डेफिनेटली कम अगेन, बल्कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इट विल बी ए परमानेंट फीचर फॉर द फ्यूचर टू कम। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि अमेरिका में ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है, जो हम सोशल अपने डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इट मे हैव टू कंटिन्यू फॉर अनदर 1 or 2 years। लेकिन चलिए डॉक्टर साहब, इसी बात को लेके चलते हैं कि एक टाइम जो दिया जा रहा है वो टाइम वैक्सीन के लिए दिया जा रहा है कि वैक्सीन को प्रॉपरली मार्केट में आते और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन से निकलते तो उस वक्त तक 1 से 1.5 साल लगेगा। लेकिन चीज़ों को सेटल होते, जब हम कहते हैं चीज़ों को सेटल होते, तो इस पर बात करते हैं कि अब हम दरअसल COVID-19 के साथ एक नई दुनिया में दाखिल हो गए हैं और उस नई दुनिया के मुताबिक हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। उसमें वो तमाम चीज़ें जो हम एक लग्जरी के तौर पे लेते थे, दे आर नॉट गोइंग टू बी द सेम वे अगेन। तबसरा आपका। देखिए बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो चीजें हम ग्रंटेड लेते थे, यानी हम कहते थे ये ग्रंटेड है, ये तो हमें मिलेंगी, वो अभी भी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हुई है। लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर आपको जो डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, उसको थोड़ा सा उस पर आपको गौर करना पड़ेगा कि हम कितने डिपेंडेंट। इस मूवमेंट में एक चीज तो निकलेगी, नेशनलिज्म जो वर्ड है जी, वो दोबारा बहुत उभर के सामने आएगा। नेशनलिज्म जो कि ट्रंप ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मोदी साहब ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जो चाइना में तो खैर शुरू से ही है, ये वर्ड दोबारा सामने आएगा। और जो गांधी की फिलॉसफी थी कि आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर रहने की बात करो, वो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में अगले 2-3 साल में दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम अब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया कि गवर्नमेंटों को अपने लोगों को आने वाले टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी, फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ेगी जी, और उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन क्या पॉसिबल है कि वो खाने पीने का इतना इंतजाम हो सके? मैं तो अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ देर पहले कि कनाडा जैसे कंट्री में खाने पीने का सामान जो है अगले महीने से बहुत कम हो जाएगा। तो जब इतनी डेवलप्ड कंट्रीज है, वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव, जब उस कंट्री में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि होंगे, तो फिर
आप उन लोगों का सोचिए, उन कंट्रीज का सोचिए जो कि बहुत ही गरीब है, बांग्लादेश का सोचिए, जी आप इंडोनेशिया का सोचिए, आप फिलिपाइन का सोचिए, आप उन कंट्रीज को सोचिए जो कि बिल्कुल ही, आप सारे अफ्रीका को देखिए। इस वक्त मुझे अगर तरस आ रहा है दुनिया में तो वो अफ्रीका के जो 54 कंट्रीज हैं उसमें से 2-3 कंट्रीज तो हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बाकी के कंट्रीज तो जो हैं वो तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि खुदा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जी वो वैसा हाल है उनका बेचारों का, कुछ नहीं समझ आ रही, कोई कहीं से उनको हेल्प नहीं मिल सकती क्योंकि इस वक्त सारी अपनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। दे कांट गेट हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प एंड अदरवाइज, का फाइनेंशियल हेल्प क्या करनी इस वक्त, तो सारे जो लोग लगे हुए उधार, इस वक्त 180 बिलियन डॉलर का जो है वो डेफिसिट बजट हमारा कनाडा का होगा, जो अमेरिका है वो तो 7 ट्रिलियन तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7 ट्रिलियन, हाँ जी, वो इस साल के एंड तक उनको उधार उठाना पड़ेगा। 19 ट्रिलियन उनके ऊपर आगे चढ़ा हुआ, दैट विल बी 26 ट्रिलियन, उनकी इकोनॉमी 22 ट्रिलियन किया और उधार हो गया 26 ट्रिलियन। तो ये कंट्रीज को अपना बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है, और उस चैलेंज में से बाहर निकलने के लिए मैं ये समझता हूँ कि लोगों का करेक्टर ज्यादा बढ़िया बनेगा, गवर्नमेंटें जो बहुत सिंसियर होगी लोगों के साथ, हाँ जी, उनका नाम ऊपर होगा, जो नहीं होंगी, हाँ जी, वहां पर आप देखिए कि किस किस्म के झगड़े होंगे, किस किस्म के रॉयट्स होंगे आने वाले टाइम के ऊपर, और देर में भी इन सम प्लेसेस देर में भी हालात जैसे सिविल वार की तरह होते हैं वैसे भी बन सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद शायद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देख लें कि ये सिचुएशन अब इस वक्त जो हो रही है, जिस तरफ जा रही है, ये सिमिलर उसी के टाइप की है। लेकिन इसकी तरफ तो हम आ गए, लेकिन क्या हम ये ऑलरेडी, हमने किस हद तक इसकी प्रेपरेशन की, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की तरफ तो हम देखिए, दुनिया तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत ऑलरेडी चेंज हो रही थी, और उसके साथ साथ हमारी रिलायंस अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हो गई है, यानी हर चीज़ की ओवरलैपिंग चल रही है, हर चीज़ की चेंज चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए चेंज चल रही थी वो तो इस वक्त होगी स्टॉप। इस वक्त तो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू विन वॉर अगेंस्ट दिस COVID-19, दैट्स नंबर वन, दैट इज नंबर वन प्रायोरिटी फॉर एवरीवन। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है वो ये है कि वैक्सीन जो है वो जल्दी से जल्दी निकले, और वैक्सीन निकलने के बाद आप ये देखिए 8 बिलियन लोगों के लिए वैक्सीन बनाना, इज दैट सो इजी? जी लोगों के पास क्या इतने रिसोर्सेज होंगे? No, it will take another 2-3 years कि वैक्सीन जो है हर जगह पे पहुंच सके, at least 2-3 years और maybe even more। जब हम ऐसी बातें करते हैं तो फिर इस वक्त जो डिजिटल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं उस पर तो अभी लग गया स्टॉप, मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उस पर तो लग गया अभी स्टॉप। अभी तो इस वक्त आने वाले टाइम के ऊपर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, हाँ जी, उनको पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी गवर्नमेंटों की तरफ से फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर। चलिए इस आपके इस पॉइंट को लेके चलते हैं, क्या यूएस और कनाडा के अंदर जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा चल रहा था, बार्गेन हो रही थी, हमारे अंडे खत्म हो गए, हमारा मक्खन खत्म हो गया, तो क्या ये इससे ज्यादा मजीद मुश्किल सूरत हाल में जाने वाले हैं हम? अभी तो अगले 6 महीने में डेफिनेटली हम जाएंगे। आप हैरान होंगे कि मैं ग्रॉसरी करने गया कल, और स्टोर बहुत बड़ा, उस स्टोर पर सिर्फ 6-6 अंडों के जो होते हैं ना पैकेट, उस पर लिखा हुआ कि ओनली 2 पर फैमिली। अब आप ये देखिए कि अंडे भी जो हैं वो आप सिर्फ 2 पर फैमिली, यानी कि 12 अंडे ही मैं लेके एक फैमिली वहां से जा सकती है। जब इस किस्म की संकट में, इस किस्म की प्रॉब्लम में कंट्रियां फंसनी शुरू हो जाती हैं, तो यू डोंट कम आउट ऑफ इट राइट अवे, यू टेक लिटिल टाइम, एंड दैट टाइम नो वन कैन प्रेडिक्ट एट दिस मोमेंट, क्योंकि COVID-19 का आने वाले टाइम के ऊपर क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में भी हम नहीं जानते। अभी कुछ लोग कहते हैं कि 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी 6 महीने में ठीक होगा। ट्रंप साहब जैसे जो लीडर्स हैं वो कहते हैं नो जी मैं तो अपने कंट्री को खोलने जा रहा हूँ चाहे कुछ हो जाए, आई डोंट केयर, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता।
अगर आप कंट्री को, जो लीडर जिसने दोबारा री इलेक्शन लड़ना, फॉर एग्जांपल अगले महीने ये कंट्री को खोल देते हैं, और जो कोविड वायरस है वो बहुत ज्यादा जोर पकड़ के सामने आती है, तो मेरा ख्याल है कि वो लीडर की हालत क्या होगी इलेक्शनों में, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस वक्त जो एक एफर्ट है, वो सारी एफर्ट जो है वो सबका होना चाहिए। कंट्री कनाडा जैसी कंट्रीज जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है खास करके फूड के लिए, वो हम औरों कंट्रियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे यहाँ मिल्क हो सकता है काफी हो, हमारे यहाँ अंडे हो सकता है काफी हो, हमारे यहाँ मीट हो सकता है काफी हो, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में, जी वो एक्सपोर्ट ना किया जाए तो यहाँ काफी होगा, लेकिन हमारी जो डिपेंडेंसी है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जी और चीजों की, वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब दूसरे कंट्रीज के ऊपर जब इतना बड़ा एक इकोनॉमिक बर्डन आ जाएगा, तो उस इकोनॉमिक बर्डन में क्या होता है, उस इकोनॉमिक बर्डन में जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस पे तो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज हो चुके हैं कि हाउ वी शुड फॉर्म, कि हम लोकल डिपेंडेंसी के ऊपर आ जाएं, वही चीजें, और उसमें उसमें हमेशा फूड की अगर आप एवोल्यूशन देख लीजिए तो फूड की भी नेसेसिटीज हमने अननेसेसरी बनाई हुई हैं, और अभी इसी के ऊपर दोबारा गुफ्तगू जो ज्यादा हो रही है वो यही हो रही है कि कैसे इंसानों को वापस उन चीजों को जिनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड करके जाया करते थे उससे निकाला जाए। और मेरा ख्याल है कि देखिए हलीमा जी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, ये जो आप जाया करने की बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ नॉर्दर्न मतलब यहाँ पर अमेरिका और कनाडा में ज्यादा है और बहुत कम है। जहाँ गरीब कंट्रीज है वहां पर तो उनको खाने को नहीं है, तो उन्होंने खराब क्या करनी चीजें। ये सिस्टम जो है ये सिर्फ 30% अगर फूड वेस्ट होती है, 25-30% दैट इज ओनली इन अमेरिका एंड कनाडा। इवन यूरोप में भी फूड बहुत कम वेस्ट लोग करते हैं, पीपल आर वेरी अवेयर बिकॉज दे हैव सीन टू वर्ल्ड वॉर, दे हैव सीन रिपरकशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड दे हैव सीन द रिपरकशंस ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दे हैव गॉन थ्रू दोज थिंग्स। जो कंट्रियां उस चीजों में से निकल चुकी होती हैं उनको बहुत संभल के उनका एक करेक्टर बन जाता है। लेकिन कनाडा और अमेरिका, इनके ठीक है कि इनके आदमी बहुत मरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन इनके यहाँ पर कनाडा में फिजिकल जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका जो बना है आज, जो अमेरिका इस वक्त नंबर वन कंट्री बना है, वो बना ही सिर्फ इसलिए है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसके अपने कंट्री में कोई वार नहीं थी और उसने अंधाधुंध मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर लोगों को बेचे और उनका सारा गोल्ड जो है वो अपने यहाँ इकट्ठा कर लिया। वो बिजनेस था, उन्होंने एक्सट्रीमली सक्सेसफुल बिजनेस किया। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त तो सर्वाइवल का, इस वक्त तो ग्लोबली इंटरैक्टेड, अब दुनिया उस जमाने से बहुत फर्क है, और इस वक्त जो चैलेंज है वो यही है कि कोई एक अलग से अपने आप को फ्लरिश नहीं कर सकता, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, डिपेंडेंसी आइदर वे इज टू मच। लेकिन ये ना ख़त्म होने वाली बहस है, हम इस पर अनलिमिटेड बात कर सकते हैं। आज मेरा ख्याल है अब हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आपका आने का और हमारे तमाम सवालात पे तबसरे करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जो मेडिकल साइंस है, जो भी हमारे दर्शक हैं, वो मेडिकल साइंस जो है उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं प्लीज उसको फॉलो करिए, अदरवाइज things can become very bad. No, you doubt. you have to follow the directions of medical science. Yes, not for sure. Of anyone else. Yes, for sure. आज के इस प्रोग्राम में शुक्रिया आपका बहुत, आप शामिल हुए और आपने तबसरा किया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम इस वक्त हिस्टोरिकल पॉइंट पे हैं जहाँ पे चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। बदलती दुनिया के साथ कॉप करना एक चैलेंज है, और ये चैलेंज ग्लोबली सबके साथ है। COVID-19 बहुत जल्दी नहीं जाने वाला, अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और उस काम में सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि हम किस तरह इस नई दुनिया के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके क्या क्या असरात हैं, इसके साथ साथ क्या चल रहा है, ये सब बातें हम करते रहेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि इस सिलसिले में क्या चल रहा है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम था उसमें आपको एक बार फिर यही एक मैसेज है कि प्लीज़ अपनी हिफाजत कीजिए, सेहतमंद रहिए। इसके लिए एक कहावत है, जान है तो जहान है। जब तक
जिंदा हैं तभी तक जिंदगी है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी की केयर कीजिए, अपने इर्द गिर्द की केयर कीजिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की केयर कीजिए, इस तमाम माहौल की केयर कीजिए। आज का ये कम्युनिटी डिबेट देखने का बहुत शुक्रिया।